निशांत भट्ट के सारे फैंस के लिए, इनफैक्ट प्राणेश के सारे फैंस के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, तो देरी नहीं करते चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिनेस्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। आप चाहें तो इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्योति नाहक 7 इज माय इंस्टाग्राम आईडी। इस वक्त निशांत भट्ट के लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि देखिए बिग बॉस में पहले तो ओटीटी से स्पेसिफिकली ओटीटी में प्राणेश की जो जोड़ी है वो बनी। दोस्ती में भी कितनी पोजेसिवनेस होती है, दोस्ती में भी कितनी लड़ाइयां होती हैं वो आपको देखने को मिला, और दोस्ती में भी थोड़ा सा एक जेलसी फैक्टर जो होता है वो भी देखने को मिला काफी हद तक हमें बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक और निशांत के दोस्ती में। उसके बाद जब सीजन 15 शुरू हुआ तो वहां पर जिस तरीके से जिस इंटेंसिटी से निशांत भट्ट ने प्रतीक का ध्यान रखा, प्रतीक को सपोर्ट किया, प्रतीक के लिटरली गार्डियन बने नजर आते थे वहां पर कई बार, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रतीक को सपोर्ट किया, ऑफकोर्स प्रतीक ने भी किया, ऐसे में जनता के बीच प्राणेश का ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव हो गया। अब आपको बता दें कि रिसेंटली प्रतीक सहजपाल के कंफर्मेशन के बाद निशांत भट्ट का कंफर्मेशन आ गया है खतरों के खिलाड़ी के लिए, और ये फैंस की पुरजोर डिमांड पर हुआ है। जी हाँ, फैंस ने जबरदस्त तरीके से डिमांड की कि हमें प्रतीक और निशांत साथ में चाहिए, क्योंकि ये साथ में जब होते हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई करते तो वो कमराडरी ही देखने लायक होती है। इस पर बात करते करते रिसेंटली जब निशांत से पूछा गया तो वो कहते हैं, व्हेन आई टेक पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशन आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग अ टफ फाइट एंड स्टिकिंग टू अ नेवर गिविंग अप पॉलिसी। आफ्टर बिग बॉस 15 आई फील खतरों के खिलाड़ी इज अ सेटअप फॉर मी एंड दिस टाइम आई एम इवन मोर डिटरमिंड टू सर्वाइव दिस बैटलफील्ड। स्टंट्स के साथ करूंगा मैं कोशिश अपने फियर को एंटरटेनमेंट में बदलने की और अपने 3-5 के साथ आप सभी को एंटरटेन करने की। उसी के आगे वो कहते हैं, आई विल गिव माय बेस्ट शॉट एट ओवरकमिंग माय फियर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग माय सेल्फ इन दिस न्यू स्पेस, वो भी रोहित शेट्टी की गाइडेंस पर। भैया आपको क्या है कहना, प्रतीक निशांत को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड है बताइएगा जरूर।